आज मैं आपको क्रोशे का एकदम ही नया डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। इसके लिए मैंने ये सफ़ेद और ये एक लाल रंग की ऊन ली है। चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम चैन लेंगे, इस तरह से गांठ लगाएंगे। देखिए, अब हम 16 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 चैन लेने के बाद अब हम 3 चैन ऊन लेंगे, 1 2 3। 3 चैन लेने के बाद हम ये जो चैन थी इसमें हम डबल क्रोशे बुनेंगे। यहाँ पे इस तरह अब हम डबल क्रोशे बुनेंगे सब में। इस तरह से डबल क्रोशे बुनते हुए हम ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हम इसी तरह से बुनते हुए इसको वहाँ तक कंप्लीट करेंगे। ये देखिए लगभग कंप्लीट होने वाली है। हमने इसको कंप्लीट कर लिया। इस तरह कंप्लीट होने के बाद अब हम वापस से 3 चैन लेंगे, 1 2 3। 3 चैन लेने के बाद इस तरह से घुमाएंगे। अब हमें इसमें डबल क्रोशे बुनना है। ये देखिए डबल क्रोशे बुनने के बाद अब हमें क्या करना है, इसके नीचे वाले इसमें इसको इसमें नहीं इसमें एक छोड़ के एक में इस तरह डबल क्रोशे लेंगे, एक छोड़ के एक में डबल क्रोशे लेंगे। अब हमें जो ये वाला हमने बुना था इसके नीचे यहाँ पे इस तरह से लेंगे, इस तरह इसको ये बुना था इसके नीचे इसमें से और इनको तीनों को एक साथ निकाल देंगे। फिर वापस से एक छोड़ के एक में डबल क्रोशे बुनेंगे। फिर जो ये हमने डबल क्रोशे बनाया था इसमें लिया है, इसको छोड़ के इसमें से वापस से इसको छोड़ के इसमें एक छोड़ के एक में से इस तरह से बुनेंगे। फिर हम एक चैन छोड़ के दूसरे वाले में डबल क्रोशे बुनेंगे, यहाँ से एक छोड़ के एक में। एक छोड़ के एक में डबल क्रोशे बुनेंगे। फिर यहाँ से नीचे से एक छोड़ के एक में इस तरह से और इसको हम इस तरह लंबा खींच देंगे, यहाँ से डबल क्रोशे बुनेंगे। फिर एक छोड़ के एक में डबल क्रोशे बुनेंगे। फिर यह इसको इसमें हमने ले रखा, इसको छोड़ के इसमें इस तरह से पकड़ेंगे, पीछे से धागे को ऐसे लाएंगे और लंबा खींच देंगे इस तरह एक छोड़ के एक में। ये देखिए इसी तरह से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे यहाँ तक। ये देखिए इसको छोड़ के इस वाले में इस तरह से हम बनाते हुए जाएंगे इसको कंप्लीट। अब यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशे और बुनना है, तो हम 3 चैन लेंगे,
तीन चेन लेने के बाद इसको वापस से ऐसे घुमाएंगे आगे की साइड, इसको छोड़ के इस वाले में डबल क्रोशे बुनेंगे। अब एक छोड़ के दूसरे वाले में डबल क्रोशे बुन दिया हमने। इसके बाद हमें क्या करना है, जो ये यहाँ पर हमने लिया था इसमें यहाँ से डबल क्रोशे बुन, इस तरह से जैसे हमने वो निकाला था ऐसे निकालेंगे, इसको इस तरह से बुन देंगे। फिर एक छोड़ के एक में डबल क्रोशे बुनेंगे हम इस तरह। फिर जो ये यहाँ से हमने लिया था इस यहाँ से इसको इस तरह से बुन देंगे। एक छोड़ के एक इसी तरह इसको कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से हम इसको यहाँ तक बना लेंगे। यहाँ पे पहुँचने के बाद हम क्या करेंगे, ये लिया इसमें ये लाल धागा जोड़ेंगे इसको इस तरह से गांठ लगाएंगे, इस तरह गांठ लग जाएगी तो इसको ऐसे निकाल देंगे, इसको हम इस तरह पीछे साइड कर देंगे। अब हमें तीन चैन लेनी है, एक दो तीन, तीन चैन लेंगे इस तरह से घुमाएंगे, इसको इस तरह दबाएंगे, इसको छोड़ के इसमें बुनना है, यहाँ पे डबल क्रोशे बुनेंगे, एक को छोड़ के एक में बुनेंगे। देख अब यहाँ से निकाल लेंगे, जैसे हमने ये बनाया था नीचे सेम उसी तरह से इसको बनाएंगे, एक छोड़ के एक में, फिर यहाँ से ऐसी तरह से बनाते हुए जाएंगे। देखिए हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। तो अब वापस से तीन चैन लेंगे, इस तरह घुमाएंगे, इस तरह घुमाने के बाद फिर सेम उसी प्रोसेस से बनाएंगे, इसको छोड़ के इसमें डबल क्रोशे बुनेंगे। अब इसको छोड़ के इसमें फिर यहाँ से निकालेंगे, इसको लंबा खींचेंगे इस तरह से, इसको छोड़ के इसमें
इसी तरह बनाते हुए मैं अभी आपको ये कंप्लीट करके दिखाऊंगी। इस रो को पूरा कर देती हूँ। ये याद रखना, हमेशा यहाँ से आएगा ये, इस तरह। देखिए, मैं अभी दो तीन रो और करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। आप इसे चाहे किसी में स्वेटर, जर्सी, स्टॉल, स्कार्फ, यहाँ तक कि कैप में भी हम इस डिज़ाइन को डाल सकते हैं। अब जिस जो मर्जी जिसमें चाहे वैसे बना सकते हैं। ये देखिए, बनकर तैयार है ये डिज़ाइन। अगर डिज़ाइन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।